सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे सब्सक्राइबर के विषय में जो अपने करियर के लिए थोड़े चिंतित हैं और ये लाइफ में फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग बनेंगे इस विषय में जानना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं मनी बंध से। तो मनी बंध जो है इनका बिल्कुल साफ है, बहुत स्मूथ है। छोटी छोटी रेखा यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बनी हुई है और दूसरा मणिबंध जो है वो भी बीच में एक जगह पे खंडित है लेकिन फिर नीचे से वो जुड़ी हुई है। तो जब मणिबंध की रेखाएं साफ हो तो इंसान को काफी संस्कारी बनाता है। ये काफी अच्छे घर में इनका जन्म हुआ है, इनका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है। लेकिन नीचे का मणिबंध जब दो या तीन रेखाओं से बनती है तो ऐसा इंसान थोड़ा कंफ्यूज होता है, मतलब क्या सही है क्या गलत है इस विषय में वो ठीक से डिसीजन नहीं ले पाता। वो बहुत सारी चीजें को एक साथ सोचने की वजह से कौन सा सही है किसको पहले करना चाहिए इस ओर थोड़ा कंफ्यूज रहता है। अब चलते हैं जीवन रेखा की ओर। तो जीवन रेखा के आरंभ में देखिए बहुत सारे दीप बने हुए हैं, यहाँ पे छोटे छोटे दीप बने हुए हैं। तो ये दीप जो है दिखाती हैं कि इंसान को बचपन में मतलब अपने शुरुआती जीवन में छोटे मोटे रोग काफी इनको सताया करती थी। ऐसा बचपन में हुआ होगा कि इनको दो या तीन बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा होगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे छोटी मंगल की रेखाएं हैं जो जीवन रेखा को उस समय स्पर्श कर रही हैं, तो यहाँ पर ये भी दर्शाता है कि ये उस रोग से जिस रोग में ये पीड़ित थे उस रोग से बहुत जल्दी रिकवर भी कर पाए। अब यहाँ पर देखिए जीवन रेखा बिल्कुल स्पष्ट नीचे की ओर जाते हुए और नीचे जाके एक फिश का साइन बना हुआ है। तो ये फिश का साइन जो इंसान को दर्शाता है ये किसी भी काम में उसको कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं और जब तक वो कंप्लीट नहीं होता बिल्कुल सांस नहीं लेते। और यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट है, जो मंगल की रेखा से जीवन की रेखा के पैरेलली एक रेखा नीचे की ओर जा रही है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसे कहते हैं सपोर्टिव लाइन। तो इंसान के जीवन में जब छोटी छोटी रेखाएं सपोर्टिव लाइन की तरह बढ़ती हैं तो ऐसे इंसान को आजीवन किसी ना किसी का सपोर्ट मिलता रहता है। इनके जब खराब परिस्थिति रहती है इनके साथ तब ये किसी अच्छे व्यक्ति का किसी भले इंसान का सपोर्ट इनको मिलता रहता है। और सपोर्टिव लाइन में भी देखिए दो रेखाएं यहाँ पे और एक फिश का साइन बना हुआ है। तो ये फिश का साइन होना ये दर्शाता है कि इनको सपोर्ट जो है बिल्कुल बेबाक मिलता है बिना किसी रुकावट के। कभी कभी ऐसा होता है कि ये कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपने जीवन से जो कि इन्हें नहीं मिल पाता। तो जहां पर आशा ज्यादा होगी वहां पर हताशा भी उतनी होगी। तो आप अपने जीवन से उतनी ही आशा करें जितना आप कर्म करते हैं, उससे ज्यादा आशा करेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। अब बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। तो मस्तिष्क रेखा देखिए यहां से बिल्कुल साफ और सीधे निकलते हुए चंद्र के पर्वत के पहले ही खत्म हो गया है। तो ये दर्शाता है कि ये जो है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत स्ट्रेट सीधा सोचते हैं और किसी भी काम को करने के लिए बिल्कुल जब एक बार इनके दिमाग में वो काम घुस गया तो वो जब तक उसे कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक बिल्कुल सांस तक नहीं लेते। तो ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है। किसी किसी अवस्था में ये थोड़े से कंफ्यूज होते हैं लेकिन कंफ्यूजन इनको ज्यादा देर तक सताती नहीं है, ये किसी ना किसी अच्छे डिसीजन में पहुंच ही जाते हैं। एक रेखा यहां से देखिए, छोटी रेखा जो जीवन रेखा को काटते हुए ऊपर की ओर उठ रही है। तो इस परिस्थिति में ये रेखा एक तरह से यहाँ पर जीवन रेखा को काट रही है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इनको कोई छोटा मोटा ऑपरेशन या कोई ऐसा एक्सीडेंट जिससे इनका काफी खून बहा हो, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो इनको काफी सावधान रहना है। ये लगभग 25 से लेकर 28 साल के बीच इनको बिल्कुल सावधान रहना है इस तरह की चीजों से और अपने तबीयत को बिल्कुल ठीक से देखना है। और साथ ही साथ अगर बाइक चलाते हो या वाहन चलाते हो तो बिल्कुल सावधानी से चलाइए क्योंकि दुर्घटना के योग बन रहे हैं। और यही रेखा जब ऊपर की ओर बढ़ती हुई इंडिकेट करे तो ऐसा इंसान जो है एक सफल
व्यवसाय भी बन सकता है। मतलब ये छोटा मोटा बिजनेस या कह लीजिए पार्ट टाइम जॉब या एक्स्ट्रा इनकम, इनको कुछ ना कुछ हमेशा मिलती रहेगी। देखिए दोस्तों, इनका जो भाग्य रेखा है वो बिल्कुल चंद्र से निकलते हुए सीधे ऊपर की ओर जा रही है और हृदय रेखा में से थोड़ा सा ऊपर उठ के यहाँ पर खत्म हो गई है, जो कि इंडिकेट ये करता है कि ये शनि की उंगली की ओर इंडिकेशन करने की वजह से इनको किस्मत तो अच्छी मिलेगी ही। जो काम ये करेंगे उसमें थोड़ा सा डिले जरूर होगा, लेकिन इनको उनका वह काम कंप्लीट जरूर होगा। और एक रेखा देखिए दोस्तों, जीवन रेखा से निकलती हुई बिल्कुल सीधी ऊपर, इसको कहते हैं बिजनेस लाइन या बुध की रेखा, ये काफी स्ट्रांग है। अगर ये खुद का जॉब करें या खुद का ऐसा काम करें जिसमें इनका खुद का टैलेंट हो, या अगर किसी भी तरह का बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। स्पेशली पेपर या स्टेशनरी से रिलेटेड काम करें तो इनको काफी फायदा होगा। अगर ये जॉब की तलाश में है तो मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब इनको काफी सूट करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जॉब के साथ साथ अपना साइड में सेकेंड इनकम या कोई छोटा मोटा बिजनेस भी रख सकते हैं। अब देखते हैं इनकी जो हृदय रेखा है बिल्कुल स्पष्ट साथ में जाती हुई और बृहस्पति की उंगली की ओर दो मुही हो चुकी है, तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि इनका हृदय जो है बिल्कुल काइंड हार्टेड है। मतलब काफी बड़ा हृदय है, ये लोगों का हेल्प करना इनको काफी पसंद आता है और साथ ही साथ इनके इस हेल्प करने की वजह से इनको जिंदगी भर काफी अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिलते रहेंगे, जिस वजह से ये काफी तरक्की करेंगे और अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो उस बिजनेस में काफी सक्सेसफुल भी होंगे। और ये जो दो मुहा विष्णु चिन्ह होता है ये इंसान को काफी तरक्की भी देता है, और ये विष्णु चिन्ह ये भी दर्शाता है कि इनका लव मैरिज होने की संभावना सबसे ज्यादा है। अगर ये किसी के साथ लव अफेयर में है या किसी को बहुत चाहते हैं तो उनसे बात करें, उन्हीं से उनकी शादी होने की संभावना बढ़ जाती है। अब विवाह रेखा को एक बार देख लें, ये संभावना कितनी ज्यादा है। विवाह रेखा बिल्कुल स्पष्ट ऊपर बीच तक आई हुई है, मतलब बहुत सीधी और स्ट्रेट है और बुध के पर्वत के बीच तक आई हुई है, तो ये काफी शुभ संकेत है। ये लव अफेयर सिर्फ अफेयर नहीं होगा, ये आपकी जीवन संगिनी भी होगी। और एक प्लस पॉइंट यहाँ पर देखिए, एक सूर्य रेखा बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की ओर उठती हुई एकदम सूर्य की उंगली के नीचे तक जाके खत्म हुई है, तो ये जो रेखा है ये दर्शाता है कि इंसान को सक्सेस मिलेगा ही। ये बिल्कुल स्पष्ट है और सीधी है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ प्लस पॉइंट यहाँ पर एक ये है कि इनकी जो सूर्य की उंगली है काफी ऊंचाई ली हुई है, बृहस्पति की उंगली थोड़ी छोटी है कम है, तो सूर्य की उंगली लगभग शनि की उंगली के बराबर और बृहस्पति के बीच में काफी बड़ा सा ये गैप है, तो ये दर्शाता है कि ये काफी प्रभावशाली है और ये स्पोर्ट्स में भी काफी अव्वल है। साथ ही साथ इनको सरकारी नौकरी मिलने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, तो अगर ये सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मैं इनको बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अच्छे तरीके से ट्राई कीजिए। आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड या जिसे कहते हैं हम लोग SSC मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हिसाब से, उसमें बहुत सारे स्टाफ्स के रिक्रूटमेंट होते हैं, ऐसे काम को या इस तरह के एग्जाम्स को आप दें तो आपको सक्सेस अवश्य ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक विडंबना यह है कि उनके सूर्य की उंगली के नीचे एक छोटा सा तिल है, ये तिल जो है कभी कभी इनके परिस्थिति में मतलब इनकी सक्सेस होने के रास्ते में कभी कभी थोड़ी थोड़ी बाधाएं उत्पन्न करती हैं। इसका कारण ये है कि इनको झूठ मूठ की बदनामी भी झेलनी पड़ती है, इनको उन सब बातों को भी झेलना पड़ता है जो इन्होंने किया ही नहीं, मतलब बिना मतलब की बदनामी भी इनको झेलनी पड़ती है। तो आप कोशिश ये करें कि किसी भी तरह का ऐसा काम ना करें जिससे आपका नाम खराब हो, और कोशिश ये करें कि कम से कम दोस्तों का साथ रखिए, क्योंकि दोस्त ही आपको सक्सेस की ओर जाने से रोकेंगे, उन्हीं की वजह से ही आपके बहुत सारे काम बिगड़ सकते हैं। तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक अपना जीवन यापन कीजिए। आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप अवश्य होंगे, आपके हाथ की रेखा ये कहते हैं कि आप काफी सक्सेसफुल होंगे, आपके पास काफी धन होगा, काफी पैसा होगा और साथ ही साथ आपके पास दो दो सोर्स ऑफ इनकम होंगे। और हाथ के बीचों बीच ये जो बड़ा वाला ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल ये दर्शाता है कि आपका खुद का पैसा
खुद की गाड़ी, खुद का घर बनेगा, और ये लगभग आपको 30 से 35 साल के बाद ही या उस बीच दौरान ही आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो दोस्तों ये था छोटा सा एक एनालिसिस, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज 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 कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सके। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।